मुझे ऑडियो सेक्शन बहुत बढ़िया लगा और बहुत समझ गया सर ने इतना डिटेल में बताया है पूरा पैड लाइन के साथ। अच्छा बताओ ये कोई दुकान वाला समझा सकता है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं समझा सकता सर। बताओ दुकान वाला सर। एक हमारा ग्रुप है ईस्ट टेलीकॉम का, उस ग्रुप में एक जन बोल रहा है कि अरे इंस्टीट्यूट क्यों जाते हो, दुकानों में चले जाओ, 10-20 हजार वहां दे दो। तो क्या दुकान वालों को इतनी नॉलेज होती है क्या? कौन सा नंबर पे दो? तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जीआर चेक करूंगा, यहाँ दिखा रहा हूँ, नोटिस करो, गिनेंगे यहाँ पर, गिनो पहले नंबर पर इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। हमने क्वालकॉम का यहाँ पर स्पीकर रिंगर आईसी में जाएंगे, ये खोलो। अब तो चमत्कार इसके बाद देखना जब मैं स्पीकर आईसी में आऊंगा। मम्मी उसको खाली बताता है। देखिए अब यहाँ पर हमें स्पीकर लाइन में जाएंगे तो ये इसकी स्पीकर आईसी है। अब नोटिस करो, बुंडियों ने स्पीकर आईसी में इतने सारे पैडों को तो खाली बता दिया है। क्या बता दिया है बताइए? वो बोला है कि उसका कोई काम ही नहीं है भाई साहब। हाँ उसका कोई काम ही नहीं है, उसने बताया है खाली एक ईएन सिग्नल। क्या बताया? इनपुट वही कमांड। आपके B1 चार वोल्टेज, कितना वोल्टेज? चार वोल्टेज। और ये अगर ये ईएन सिग्नल है, ये चार वोल्टेज है, ये इनपुट है और दो आउटपुट। और दो क्या बताया? आउटपुट। और अगर मैं बात बताऊं जो मैं अभी इसके बाद बताने वाला हूं, ये देखो Redmi Note 6 Pro, जैसे इसके बाद वाले को, इसके बाद वाले जो हम बड़े के बाद पढ़ने वाले हैं, नोटिस करो इसका स्मार्ट पी ए देखो और मेरा सेक्शन देख रहा यहां पर, ये देखो ये इसका स्मार्ट पी ए, ये देखो ये आईसी है इसका स्मार्ट पी ए की। 1 2 3 4 5 6 7 केवल कितनी लाइन दिखाई? देखो तो वो 49 बॉल का होगा, 40 के ऊपर, मतलब बाकी बॉल क्या क्या कर रही है भाई बता। खत्म टाटा बाबा, खत्म कहानी, उतना ही चेक कर लो। नहीं है तो दे दो सेट बोडियो में, अब टेस्टिंग खत्म हो गई है। ये देखो पर क्या मतलब डायरेक्ट सोल्यूशन दिखाने का तुम लोग को, जब तुमको डायोड ही हर समय चेक करना है तो समझ गए बिल्कुल। क्या समझे बताओ सर? आईसी में जीआर आने के बाद वोल्टेज भी नहीं आ सकता है, इसलिए आईसी खराब, मतलब आईसी को आप चेक करेंगे। हाँ, आईसी चेक करेंगे, आईसी चेंज करेंगे और आईसी चेंज करने का भी नहीं हुआ तो आईसी की रिकॉर्ड चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? तो मीन सर टेलीकॉम के स्टूडेंट हो, तुम्हारा टीचर है देवेंद्र अग्रवाल। कौन है? तुम गलतियां करोगे नहीं, गलतियां वही करेगा जो मुझे पूरी तरीके से फॉलो करेगा। दिमाग में डाल, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप गलती करोगे ही करोगे। समझ टच करेंगे, अभी फ्लैट है तो यहाँ पर वेव्स मिलने चाहिए। ये देखो लगा रखो सर, ये इस वेव्स को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये देखो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, बहुत स्लो भी दिखा सकते हैं और फास्ट में भी दिखा सकते हैं, स्लो में भी दिखा सकते हैं और फास्ट में भी दिखा सकते हैं। ये तो ये जो वेव्स है इसका मतलब है हमारी आवाज आ रही है, फ्रिक्वेंसी है हमारी। क्या है बताइए? फ्रिक्वेंसी। हम आवाज को केवल फ्रिक्वेंसी में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? फ्रिक्वेंसी। आवाज को और किसी चीज में मेजर नहीं कर सकते। स्टॉप हो गया। हटाओ और वापस लगाओ, देखो अब क्या हो गया? अब रुक गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई? इसको आई मुझे बताओ। अब मैं आईसी पढ़ाऊंगा सर, आवाज स्लो अगर आएगा तो फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, आवाज स्लो होगा तो फ्रीक्वेंसी रेंज दिखाएगा पर हर्ट्ज कम हो जाएंगे उस टाइम। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्र,